नेताओं के नाम में गिना सकती हूँ, बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी की, किसी को नहीं वो रोक पाए। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जोधपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पीपाड़ के चौकड़ी खुद में मारपीट हुई है। मतदान के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट की जो घटना है वो सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जोधपुर से बड़ी खबर है, पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। पीपाड़ के चौकड़ी खुर्द में मारपीट की बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मतदान के दौरान पुलिसकर्मी से ही मारपीट हो गई। अब समझिए जरा कि बदमाशों में पुलिस का आखिर कितना खौफ है, जहां पर पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट कर दी जाती है। बूथ में मोबाइल ले जाने को रोकने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दो लोग शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। सरपंच को वीडियो बनाने से रोकने पर यह विवाद हुआ और उसके बाद मामला गरमाता चला गया, जब बदमाश गुस्से में आए और उसके बाद पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पाई है वो ये है कि दो लोग शांति भंग के आरोप में इनके साथ मारपीट की गई पुलिसकर्मियों के साथ में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर श्याम चौधरी जुड़ चुके हैं। श्याम चौधरी, ये पूरा मामला बताएंगे क्या हुआ था, किस वजह से रोका गया, मारपीट की घटना क्यों हुई यहाँ? जी, ये पाली जी, लोकसभा क्षेत्र के जोधपुर जिले के बोरुंदा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव का मामला है, जहां पर मतदान के दौरान एक गांव का सरपंच जो मोबाइल से वीडियो बना रहा था, मतदान केंद्र के अंदर वीडियो बना रहा था, जिसको पुलिसकर्मी ने रोकने का प्रयास किया तो सरपंच आक्रोशित हो गया और पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया और विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस व आसपास के लोगों ने समझाइश कर मामला शांत कराया, लेकिन सरपंच अपने आपको सरपंच का पावर बताते हुए वहां पे पुलिसकर्मियों से अड़ा रहा, जिसके बाद अन्य दूसरा जाब्ता मौके पर पहुंचा और बरुंदा थाना अधिकारी देवकिशन भी मौके पर पहुंचे और सरपंच समेत दो लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी, अभी वहां पर माहौल क्या है श्याम, और ये भी बताइएगा कि क्या इसे वोटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हुई? जी, अभी माहौल वहां पे शांत बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों को शांति भंग के बाद में हिरासत में लेने के बाद मामला शांत है और वोटिंग लगातार चल रही है और पुलिस का जाब्ता भी वहां पर, अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्याम चौधरी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बूथ में बताया जा रहा है कि मोबाइल जाने ले जाने से रोका गया था क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे सरपंच साहब। ऐसे ही जानकारी सामने निकल कर आई है कि सरपंच को वीडियो बनाने से रोकने के बाद विवाद जो था वो इतना बढ़ गया कि मारपीट पर आ गया। मतदान के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट की घटना सामने आई है। तो गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सरपंच को पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी करने से रोका था क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। वहां पर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप किसे वोट कास्ट कर रहे हैं। और जब वहां पर पुलिसकर्मी उन्हें ये करने से रोक रहा था, उसी दौरान वहां पर गुंडागर्दी शुरू हो गई। पहले आपस में बहसबाजी हुई और उसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसका वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो लोग शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि वहां पर अब मतदान सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन जब यह हंगामा चल रहा था तो निश्चित तौर पर वहां कुछ समय के लिए मतदान में भी रुकावट दिखाई दी। तो जोधपुर के पीपाड़ से ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके से पुलिसकर्मी को कई लोगों ने दबोच रखा है और जो जानकारी मिल पाई है वो ये है कि पुलिसकर्मी के साथ में मारपीट की गई है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं वो ये देखिए किस तरीके से झड़प करते हुए पुलिसकर्मी के साथ में नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया गया है कि इस घटना के बाद बड़ी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। और भीलवाड़ा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला मतदान करते हुए दिखाई दी। बुजुर्ग महिला में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। तो एम्बुलेंस से मतदान करने बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला पहुंची और इस दौरान अस्पताल में बताया जा रहा है उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब वो उत्साहित होकर के अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंची तो सभी की नजरें बुजुर्ग महिला पर टिक गई। होम वोटिंग की सुविधा प्रियंका उपलब्ध कराई गई है लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी जो बुजुर्ग हैं वो लगातार बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तस्वीर बेहद खास ही भीलवाड़ा से सामने आई है, जहां पर एम्बुलेंस के जरिए एक बुजुर्ग महिला पहुंची। बताया जा रहा है कि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, इसके बावजूद वो अपने वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंची हुई। और उम्र सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे क्योंकि इनकी उम्र 75 वर्ष की है। ये वो उम्र है जब लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, घर में आराम करते हैं, लेकिन
जागरूकता देखिए, बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती थी, इसके बावजूद भी वो एम्बुलेंस से पहुंचती है, अपना वोट कास्ट करती हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो जागरूक करने वाली हैं और प्रेरित करने वाली हैं। ऐसे में आप सभी भी अपने अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और वोट कास्ट जरूर करिए। आपको बता दें कि महिला के पैर में फ्रैक्चर भी है, वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चल नहीं सकती, इसके बावजूद भी वो स्ट्रेचर के जरिए मतदान केंद्र पहुंची और वहां पर अपना वोट कास्ट किया। और अब क्योंकि सियासी माहौल बेहद ही गर्म हो चुका है और आठ तस्वीरें आपको खास आज की हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो दिग्गज नेता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जब पहुंचे तो किस तरीके से सियासी माहौल और ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आम से लेकर खास लोग आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। आठ अलग अलग खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। राजस्थान की 13 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किया जाना, जहां पर फिल्मी सितारे भी आज जमीन पर हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। भागलपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक्ट्रेस पहुंची हुई है मतदान के लिए। मथुरा से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हेमा मालिनी पहुंची हुई है बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में भी। अमरावती से भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रकाश राज भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बेंगलुरु से। और अलग अलग कई सारी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, सुरेश गोपी से लेकर आशुतोष राणा भी अपना वोट कास्ट करते हुए हाथों पर इंक की स्याही लिए हुए प्राउडली आई एम अ प्राउड वोटर कहते हुए नजर आ रहा है। और सभी से ये अपील भी की जा रही है कि घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदारी निभाइए, अपना वोट कास्ट करिए, क्योंकि हर एक वोट कीमती है। और आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट का अधिकार जो आपको प्राप्त है लोकतंत्र में, उसका इस्तेमाल करिए जाकर के। 5 साल बाद एक मौका ये आता है जब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जाकर के वोट कास्ट करिए और उसके बाद सेल्फी लीजिए, जो आपकी स्याही लगी उंगली है उसके साथ लीजिए, और वो हम लगातार जो नंबर फ्लैश करके आपको दिखा रहे हैं उस पर भेजिए। आप टीवी पर आने का भी आपके लिए खास मौका है। तो टीएमसी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला देखने को मिला है। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति सर्वे कांग्रेस कराना चाहती है और इंडी गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ऐसी ही मंशा रखती हैं। गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं, वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है, इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है, और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है, यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके। और जालौर में मतदान की रफ्तार धीमी हुई है तेज गर्मी का, क्योंकि वहां पर असर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर वोटर्स जो है वो नहीं पहुंच रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं रेवा शंकर। रेवा, तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताते जाइएगा कि अभी तक कितने फीसदी वहां पर वोटिंग हो चुकी है। जी,
में बताना चाहूंगा कि जालौर के ऊपर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई है और जिस प्रकार से सुबह काफी अच्छी रफ्तार में यहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर रहा, लेकिन चूंकि राजस्थान की गर्मी है और उस गर्मी को देखते हुए भी दोपहर में कुछ रफ्तार मतदान की कम हुई है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन से बताऊंगा, ये एक मतदान केंद्र है ग्राम पंचायत एलाना में, जहाँ पे अभी जो मतदाताओं का टोटा जो है वो नजर आ रहा है, चूंकि काफी गर्मी है और उस गर्मी को देखते हुए मतदाता अभी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन ये अपेक्षा की जा सकती है कि जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होगी उसके बाद में पुनः मतदाता मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रुझान देखने में आ रहा है। साथ ही प्रवासी जो यहाँ के जालौर और सिरोही के काफी बंधु प्रवासी कामगार जो है वो यहाँ पे अब की बार काफी पहुंचे हैं, तो उनका भी जो रुख है वो मतदान के प्रति है। कुल मिलाकर के ये भी तो औसत तक जो मतदान हुआ है वो 41.47% तक मतदान हुआ है, ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं और अभी जो रफ्तार है वो कुछ धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन शीघ्र ही जो यहाँ के बूथ अधिकारी हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि गाँव में जो सरकारी कर्मचारी है, शिक्षक है, वो निरंतर संपर्क कर रहे हैं, जिनका भी मतदान बाकी है उनसे संपर्क करके उनको मतदान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। हालांकि गर्मी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए चूंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है तो ये वोटिंग परसेंटेज जरूर आगे बढ़ेगा। रेवा, कौन कौन से मुद्दे हैं वहां पर, स्थानीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं क्या? हॉट सीट बनी हुई है, चूंकि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी जो यहाँ पर हैं। और जालौर की यदि बात करें तो जालौर और सिरोही जो एक लोकसभा क्षेत्र तो है, मुद्दे बहुत सारे हैं रेवा, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते हैं सुनेंगे। तो कितने प्रतिशत वोट कास्ट हुए अब तक, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महासंग्राम 2024 से जुड़ी, जहां पर राजस्थान में अब तक 40% से ज्यादा लोग जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में 40% से ज्यादा का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, अजमेर में 35.77% वोटिंग हुई है और जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, क्या पहले चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग में इजाफा होगा, प्रतिशत सुधरेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, इन सवालों का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। चित्तौड़गढ़ में 40.50%, कोटा में 42.51% अब तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है, निश्चित तौर पर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अजमेर में 35.77% लोगों ने वोट कास्ट किया है, भीलवाड़ा में 37.01% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर 40.05% यहां पर लोगों ने वोट कास्ट किया है। तो ये लगातार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेगी, लेकिन एक टिप्पणी भी हम ले लेते हैं एक करके। राजकुमार जी, ये जो हम बात कर रहे थे प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से ये आंकड़े रहे तो शाम तक अच्छी खबर है। राजकुमार, बिल्कुल हेमंत जी, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि लगभग 40% मत अब तक डल चुके हैं और 1 बजे तक का टाइम है भैया, और खुशी है कि निश्चित तौर पर शाम होते होते 65% से ऊपर मतदान डलेगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज 18 चैनल पे ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके चैनल पे कहूंगा, देश की एकता और अखंडता के लिए, सभी जातियों के सम्मान के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए आप अपना वोट अवश्य दें। बिल्कुल, और लक्ष्मीकांत जी आपकी भी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे हम इन आंकड़ों को लेकर के। देखिए, निश्चित रूप से अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं जी, इसे लगता है कि राजस्थान में पिछले चरण से अधिक मतदान इस बार होगा। 40% मतदान हो चुका है, अब आगामी 5 घंटे बचे हैं, मैं समझ 5 घंटों में जिस पर मतदान होगा बड़ी तेजी के साथ मतदान होगा और ये आंकड़ा 70 को लगभग छुएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों और विनम्रता से अनुरोध है कि 10 वर्षों सुशासन को फिर से लाने के लिए कमल के फूल पर मोर लगाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी को फिर से जिताएं, मोदी जी गारंटी पर विश्वास करें और मोदी जी जो
कहा है वे किया है, पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा था जिस प्रकार का रोष और जिस प्रकार की बात उन्होंने कही, मुझे लगता है पूरा देश यही सोच रहा है कि भारत के कलंक को धोने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया। राजकुमार शर्मा जी, 370 हटाकर राम मंदिर का निर्माण कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम, वो तो काम गिनवा रहे हैं अपना, कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हमने कराया और मोदी की गारंटी गारंटी है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे? सूर्या मैथिल जी भी यही कह रहे हैं कि मोदी है तो विकास की गारंटी है, तो क्यों लोग कांग्रेस को वोट करें? प्रियंका जी, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था देश के अंदर जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, टॉर्च जलाओ, घंटी बजाओ, और देश के लोगों ने उनकी बात मानी थी। उसके बाद हमारे 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान हुआ, मोदी जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया देश के मतदाताओं से, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश से अपील की कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सभी जातियों के सम्मान के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए, और अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में कुछ नेताओं ने वैक्सीनेशन का बहिष्कार भी किया था और आपके चैनल पे दिखा रहे हैं कि 40% से ऊपर अब तक मतदान डल चुका है जी। तो ये आप मान करके चल रहे हैं कि ये कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? राजकुमार जी, हेमंत जी पक्ष में।